नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब सर्दियां हैं, सर्दियों में आंवला भी बहुत आता है और वैसे भी स्किन को, हमारे बालों को विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आंवले में जो विटामिन सी होता है वो बहुत होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले की सब्जी कैसे बनाई जाएगी बिना प्याज और लहसुन के, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से, ना कोई उबालने का झंझट ना कुछ और। तो आंवला नवमी भी आ रही है, उस दिन कहते हैं कि आंवला ज़रूर खाना चाहिए। तो अगर ये सब्जी आप बनाएंगे, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की होगी, तो आप इसे व्रत में खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आंवले की सब्जी कैसे बनानी है। सब्सक्राइब करें चिको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आंवले की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 पाव आंवला और मैंने लिया है 5 से 7 हरी मिर्ची। तो सबसे पहले आंवले को हम काटेंगे। तो सभी आंवला को और हरी मिर्ची को मैंने धो लिया है, तो इसको हम काटेंगे। तो सभी आंवलों को मैंने काट लिया है। अब मैं इसके अंदर काटूंगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैं थोड़ी बड़ी बड़ी ही काटूंगी, क्योंकि जब आंवले की सब्जी में इस हरी मिर्ची का जो टेस्ट आएगा, उससे ये सब्जी और भी स्वाद लगेगी और जो आंवले का टेस्ट है वो भी दुगना हो जाएगा। और अगर आपको हरी मिर्च नहीं खानी तो आप हरी मिर्ची 1 डाल सकते हैं। तो हरी मिर्ची भी मैंने काट ली है। अब बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से इसको बनाते हैं। गैस ऑन करके रखें कढ़ाई, फिर उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो मैं ये सब्जी सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में जब सब्जी बनाते हैं तो तेल को अच्छे से जलाना होता है। अगर हम सरसों के तेल को अच्छे से नहीं जलाएंगे तो उसके अंदर जो सब्जी बनाएंगे उसके अंदर स्मेल आएगी सरसों के तेल के कच्चेपन की। तो मैंने सरसों के तेल को अच्छी तरह से जला लिया। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा। इन दोनों को डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्ची और आंवला। आंवला और हरी मिर्ची डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसको चलाते हुए। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपने आंवले के अंदर हरी मिर्ची नहीं डाली तो आप इसके अंदर लाल मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपने 1-2 ही डाली है तो भी आप थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दें। तो मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च। अगर आप इस तरीके से सब्जी को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम अब मैं कर दूँगी सिम और इसको मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। फिर इसको खोल के देखेंगे कि ये जो आंवले हैं नरम हुए हैं या नहीं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो थोड़े से आंवले को तोड़कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 5 मिनट के अंदर सब्जी बनकर तैयार हो गई। गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बंद। गैस बंद करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी सौंफ है, जिसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था। तो 1/4 चम्मच मैं दरदरी कूटी हुई सौंफ डालूंगी और इसको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। तो लीजिए, अब ये बहुत ही जल्दी सब्जी बनी है, ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए, अब ये जल्दी से 5 मिनट में बनने वाली आंवले की सब्जी बनकर तैयार है। इसको हमें उबालना भी नहीं पड़ा और ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो गई। इसे आप 7 से 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। अगर हम उबले हुए आंवले की सब्जी बनाते हैं तो 2-3 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि उसके अंदर एक वाइट सी परत आ जाती है, लेकिन इस सब्जी के अंदर वो परत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस रेसिपी को और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।